हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रितेश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आरटी इन स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास के हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। आज सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग कवर करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर जो लास्ट है 75 नंबर क्वेश्चन तक। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, यहाँ पे है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो यह था वहाँ का विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो यह था ग्रिड पद्धति। कौन सा पद्धति था दोस्तों? ग्रिड पद्धति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 53 में सुमेलित करना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो यह था ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर है इसका शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो यह थे ऑप्शन डी, लोहा से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सवाद धान का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर हो जाएगा ए, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो यह क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सिंडन के नाम से पुकारते थे उन लोग। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 59 है यहाँ पर, इसको देखिएगा। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर है ए, मतलब चांदी, टीन और सोना, तीनों का उत्पाद उन लोग क्या करते थे, आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से। क्वेश्चन नंबर 61 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो यह है 61 का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी मुंडी गाक और सुरतगोई, ऑप्शन सी दोस्तों। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर है हमारा डी, इनमें से सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह हुई थी, क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजों का निशान मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर है हमारा सी, चुनदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी,
यानी लोथल से। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर है हमारा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खानन नहीं था? तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 है, कथन ए और कथन बी को यहाँ पे बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, एक और दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा सुमिलित करना है, तो इसको हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर से आप इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह नहीं हुई है लोहा का, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर है हमारा शेर का, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष नहीं प्राप्त हुई है। चुनहुद्दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो यह किया था जे एच मैके ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। तो इसी के साथ हमारा आज सेकंड पार्ट हम लोग कवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसमें आगे की ओर जो भी हमारा चैप्टर है इसमें, तो उसको हम लोग कवर करेंगे डेली वाइज 50 क्वेश्चन को, या फिर डेली हम लोग एक एक चैप्टर को दो भाग में अगर बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।